25 जुलाई के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि किस देश ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन प्रथम का सफल लॉन्च किया है। तो यह चीन ने किया है। चीन ने 2011 में मंगल मिशन लॉन्च किया था, लेकिन यह मिशन असफल रहा था। और चीन को हम लोग मैप में देखेंगे तो ये चीन का भूभाग है, और चीन जो कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी राजधानी बीजिंग है, मुद्रा यहाँ की रोन मिनबी है, और राष्ट्रपति यहाँ के सी जिनपिंग हैं। और चीन की स्पेस एजेंसी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, जिसके अध्यक्ष अभी जू कियानगन है, और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि LIC ने किस बैंक के साथ पॉलिसी वितरण करने के लिए समझौता किया है। तो यह कॉरपोरेट बैंक, आंध्र बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उपरोक्त सभी से किया है, और इन तीनों बैंक आपस में मर्ज हो चुके हैं, यानी कि आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक दोनों का विलय यूनियन बैंक में अप्रैल में हुआ था। और विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश का पांचवा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। और LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो M.R. कुमार हैं, और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो यह आलोक मिश्रा को नियुक्त किया है। और MFIN यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थित है, और इसके CEO संजीव चड्ढा हैं, और इसके अध्यक्ष हसमुख अथिया हैं, जबकि 2018 में देना बैंक एवं विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हो गए थे। पांचवा प्रश्न है कि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ किस पेमेंट्स बैंक ने साझेदारी की है। तो यह एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने साझेदारी की है। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इसकी स्थापना 2017 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसके MD और CEO अनुब्रत विश्वास हैं। अगला प्रश्न है कि निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है। तो यह 87वां देश बन गया है। निकारागुआ को मैप में देखेंगे तो यह निकारागुआ का भूभाग है, और निकारागुआ जिसकी राजधानी मोनागुआ है, इसकी मुद्रा कार्डोबा है, जबकि इसके राष्ट्रपति जो हैं वो डैनियल ओर्टेगा हैं। इंटरनेशनल सौर अलायंस, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 ईस्वी को हुई थी, और संस्थापक देश भारत और फ्रांस थे, जबकि मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने मास्क ना पहनने वालों के लिए 1,00,000 तक का जुर्माना रखा है। तो यह झारखंड ने रखा है। झारखंड को हम लोग मैप में देखेंगे तो यह झारखंड का भूभाग है, और झारखंड जिसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसकी राजधानी रांची में स्थित है, और इसके राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। विधानसभा की सीट 82 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पे 6 है, लोकसभा सीट 14 है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य COVID-19 के जांच के लिए 100 परीक्षण प्रणाली विकसित कर रही है। तो यह उत्तर प्रदेश कर रही है। और उत्तर प्रदेश को मैप में देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश का भूभाग है, और उत्तर प्रदेश यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विधानसभा की सीट 404 और विधान परिषद की सीट 100 है, जबकि लोकसभा की सीट 80 है। अगला प्रश्न है कि अमला शंकर का निधन हो गया, या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये नृत्यांगना और कोरियोग्राफर दोनों क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनी रॉस का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये गायन से संबंधित थी। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।